हेलो एवरीवन, दिस इज थर्ड क्लास ऑफ पॉलिनोमियल, क्लास 9th, चैप्टर 2. नाउ वी आर डिस्कसिंग द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल. फर्स्ट इज मोनोमियल. मोनोमियल मीन्स होता है अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल. मोनो मीन्स वन. एग्जाम्पल 9-14, 6x, -8x², 5x³, 2x⁴, etc. मोनोमियल्स. तो मोनोमियल्स वो हो गए जिनमें सिर्फ सिंगल टर्म है. नाउ बायोनोमियल्स. बायोनोमियल्स अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ बायोनोमियल. बाई मीन्स टू. तो बाई मीन्स होता है टू. जैसे आपने बाईसाइकिल देखा होगा, साइकिल में टू व्हील्स होते हैं, उसी से ये बना है. बी आई से बाई फॉर टू होता है. तो यहाँ पे टू नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए, जैसे 9+4x या x-3x² या 8+x³, etc. ऑल बायोनोमियल्स. थर्ड इज ट्राइनोमियल. अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग थ्री नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल. ट्राई मीन्स थ्री. एग्जाम्पल्स 2x-3, 2x³ + 5x² - 4. जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हर एक ब्रैकेट में एक जो पॉलिनोमियल रिटर्न है इसमें थ्री टर्म्स हैं, तो ये सभी के सभी ट्राइनोमियल्स हैं. कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें एक सिंगल टर्म होता है और वो भी नॉन जीरो टर्म होता है. जैसे आप देख पा रहे हो, इन जनरल एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो. तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि कोई भी नॉन जीरो, यानी कि सिर्फ जीरो आप नहीं ले सकते हो, उसके अलावा कोई भी अगर आप रियल नंबर लेते हो तो वो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल 6, -8, -9/14, -7/12, etc. ऑल कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स. द सेकेंड वन इज जीरो पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ अ टर्म, वन टर्म नेमली जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल. द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. मतलब कि जिसमें एक ही सिंगल टर्म हो और वो भी जीरो ही हो, जीरो शून्य, तो उसे आप जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं और इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है. नाउ सॉल्व एग्जांपल्स पे हम देखते हैं. एग्जांपल नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री. तो आपके सामने 10 क्वेश्चंस हैं, फिलहाल 7 दिख रहे हैं, जिसमें कि आपको ये बताना है कि इनमें से पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं और अगर वो पॉलिनोमियल हैं तो उनकी डिग्री क्या है. नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन डिस्कशन ऑफ दिस सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज x³ - 5x + 2 इज एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर ऑफ x, सो इट इज अ पॉलिनोमियल. क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल के पावर्स हैं, x की पावर्स हैं, वो सभी के सभी नॉन नेगेटिव हैं, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल है. और सिंस द हाइएस्ट पावर ऑफ x इज 3, सो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. तो ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर रखा है. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ इसका एक बार इंट्रोडक्शन देख लें. द सेकेंड इज y² + √2 × y - √5 इज एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ y, सो इट इज अ पॉलिनोमियल. द हाइएस्ट पावर ऑफ y इज 2, सो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. तो यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी वेरिएबल थे y, उन सभी की पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और साथ के साथ इसकी हाइएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, सॉरी हाइएस्ट पावर जो है वो 2 है, सो इट्स डिग्री इज 2. द थर्ड क्वेश्चन इज 2 √x + 7 इज एन एक्सप्रेशन इन विच वन टर्म नेमली 2 √x रिटन एज 2 × x^1/2 हैज रैशनल पावर ऑफ x, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अब यहाँ पे आप देखो x अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को जब आप पावर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1/2 आता है, इसीलिए अब ये रैशनल पावर हो गया x के, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रह गया और फिर इसकी डिग्री की बात ही नहीं करनी है जब पॉलिनोमियल ही नहीं है. द फोर्थ वन इज -6. एक नंबर है तो नंबर को आपको याद होगा अभी अभी पढ़ाया गया, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है और इसकी डिग्री होती है 0. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज 4t² + 1/6 × t + 2√3 इज एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ t, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन t. अब आप यहाँ पे देखिए t की ऑल पावर्स क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं,
तो ये पॉलिनोमियल हुआ, और हाईएस्ट पावर ऑफ टी इज टू, सो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू. द सिक्स्थ क्वेश्चन इज जेड स्क्वायर प्लस फाइव बाई जेड स्क्वायर प्लस वन मे बी रिटन एज जेड स्क्वायर प्लस फाइव इंटू जेड टू द पावर माइनस टू प्लस वन. हियर वन टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ जेड इज माइनस टू विच इज अ नेगेटिव इंटीजर. तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं है, वो फेल कर गया रूल को कि ऑल पावर्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए. द सेवेंथ क्वेश्चन इज वन बाई थ्री एक्स में भी रिटर्न एज वन बाई थ्री इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल. फिर यहाँ पे वन अपॉन में है एक्स, और एक्स जब न्यूमिनेटर पे मल्टीप्लाई होने आएगा डिनोमिनेटर से तो इसमें उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. वन माइनस फाइव अंडर रूट फाइव एक्स में भी रिटर्न एज वन माइनस अंडर रूट फाइव इंटू एक्स टू द पावर वन बाई टू, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज एक्स की जो पावर है वो इंटीजर में ना होकर रैशनल नंबर में हो गई. और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो अंडर रूट रेट लगा है वो फाइव के साथ साथ एक्स पे भी लगा है, इसलिए फाइव की पावर तो वन बाई टू होगी और साथ के साथ एक्स की भी पावर वन बाई टू हो जाएगी. नाउ द क्वेश्चन नंबर नाइन इज वन बाई फोर इंटू एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव में भी रिटर्न एज वन बाई फोर, और एक्स टू द पावर माइनस टू जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव पावर के साथ प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव. दस इट इज एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, सो द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू. द टेंथ वन इज सिक्स अंडर रूट एक्स प्लस एक्स टू द पावर थ्री बाई टू बाई अंडर रूट एक्स मे बी रिटर्न एज, अब देखो इसे आपको सॉल्व करने पे ही पता चलेगा क्योंकि जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स है वो दोनों ही टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एक बार हो जाएगा सिक्स अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स, और एक बार हो जाएगा एक्स टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर वन बाई टू हो जाएगी. तो फर्स्ट टर्म्स में अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हुआ, और सेकेंड टर्म में जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कोई पावर जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है, तो हो गया एक्स टू द पावर थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स विच इज क्लियरली अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन. तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, और आपको जो मैंने पीडीएफ दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप में उसको उसमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें. थैंक यू, और अपने नोट्स को मंडे को शो करें.